हेलो गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो नीलगाय है, क्योंकि राजस्थान में जो पेड़ है वो थोड़े ऊंचे होते हैं और नीलगाय जब गर्मी के टाइम जब इनको चारा कम मिलता है तो कैसे अपने पिछले पैरों पर ऊपर को गर्दन करके ऊंचे ऊंचे टहनियों को कैसे खाने की कोशिश करते हैं ये देखोगे जब चढ़ते हैं। तो देखो नीलगाय को, और इसके साथ ही इस वीडियो में लास्ट में कुछ और झुंड दिखाऊंगा जो एक साथ या तो मादाओं के हैं या नर के हैं। ये सामने आप देख रहे हो एक मादा नीलगाय है और उसके साथ छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन इस बमूल के पेट में हरी हरी लूम को खाने के लिए अपनी गर्दन को जिराफ की तरह, ऊंट की तरह लंबा करने की कोशिश करती है। और दोस्तों, ये सारी घटनाएं हजारों सालों में कुछ ऐसे परिवर्तन ला देती हैं और इसी का परिणाम है कि नीलगाय आगे से ऊंचा और पीछे से नीचा होता है, क्योंकि एक अजीब सा दिखने वाला जानवर है। ना तो हम इसको घोड़ा कह सकते हैं, ना हम इसको गाय की तरह देख सकते हैं। इसकी बनावट ही अलग है। इसका पिछला वाला पोर्शन काफ़ी नीचा और कमज़ोर होता है, अगला वाला पोर्शन ताकतवर होता है। कभी भी आपने देखा होगा, मैंने भी कई वीडियो अपलोड करे फाइटिंग के नीलगाय के। और दोस्तों, और भी यूट्यूब पर बहुत सारे पड़े हैं कि जब ये फाइट करते हैं, जो अच्छे पहले सींग होते हुए सींगों से नहीं, अपने जो छाती का एरिया है यानी अपने गर्दन का नीचे वाला एरिया है उससे ऊपर चढ़कर ये नीचे दबाने की और गिराने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को। तो नीलगाय का जो गर्दन वाला पोर्शन है वो बहुत पावरफुल, सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है। या तो उसके अगले पैर, पिछले पैर नहीं, अगले पैर ताकतवर होते हैं, या पैरों के और गर्दन के बीच का एरिया काफ़ी भारी भरकम और मजबूत। अब कई वीडियोज तो ऐसे आपने बहुत देखे होंगे जिसमें बहुत बड़ा भारी नर आपको दिखाई दिया होगा, और बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं दोस्तों के कि ये तो यार न्यूट्रिशन का भंडार है, तो उनके लिए एक अलग सोच से वो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बस मैं तो यही कहूँगा कि प्लीज़ यार वीडियो पे